भोकरदन तालुके के जालना जिला के भोकरदन तालुके के दानापुर ये गांव बसती है। ये गांव में गया एक महीने पहले जोरदार हवाओं से बारिश हुई थी और जो चक्रीवादल था हवा थी उसमें ये इनके पूरे पत्रे उड़ गए थे। तो इनको SIF चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने मदद की है, इनका रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। हम लोग देख सकते हैं ये मकामी हजरात भी यहाँ पे हैं। ये रईस भाई है, ये ज़ुबैर भाई है गांव के मुखिया, और ये समीर भाई है सामाजिक कार्यकर्ते। ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों ने इन्हें मदद की है और इस तरह इनका घर का रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। इस तरह इनका काम करके दिए SIF ट्रस्ट वालों का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम जानते हैं इनसे, बोलिए SIF ट्रस्ट वालों से आप क्या बोलना चाहेंगे? ना ये सब वाले ना ले खूब मदद के लिए हमारे गरीब लोग तारा खूब आशीर्वाद भेटो तेना हमारा ले आपला ले मोटा सहारा दिला। अच्छा, त्यांना आशीर्वाद आपल्याकडून लाभेल, खूप खूप आशीर्वाद लागे। ये पूर्ण पत्र उडून गेले। ये अंबादास कनगरे है और ये गैर मुस्लिम है। रईस भाई बोलिए आप SIF वालों को क्या बोलना चाहेंगे अपन गांव वालों की तरफ से? SIF वालों को ये बोलना चाहिए कि भाई अल्लाह इनको जजाय खैर दे, अल्लाह जो है तो इनको खूब तरक्की दे, दोनों जहाँ में कामयाब करे क्योंकि गरीबों की मदद कर रहे। अच्छा, ये ज़ुबैर भाई हैं, SIF ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आज गरीब लोगों के लिए मदद कर रहा है। आज SIF चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहता तो आज इस गांव के बहुत बड़ा नुकसान होता। उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह उनको जजाय खैर दे और उनसे और गाँव का काम दानापुर का काम अच्छी तरह से ले, बस मैं ये कहना चाहता हूँ और अल्लाह दुआ में याद रखें। दानापुर गांव में इससे पहले भी व्हीलचेयर अपने SIF ट्रस्ट की ओर से दी गई थी, जो अपंग लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर्स हम लोगों ने वाटअप किए थे SIF चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। तो हम उम्मीद करते हैं कि SIF चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी साधारण हजरात से कि हमारे गांव में और भी व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप कोशिश करें और वो अपन। ये जालना जिला के दानापुर इस गांव की ये अपन वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो में SIF चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इन मकानी हजरात के जो पत्रे उड़ गए थे हवा से पानी से उसमें इन्हें मदद की गई, इनका रहने का इंतज़ाम कर दिया गया और ये मकामी हजरात यहाँ पे है, हम लोग इनसे जानते हैं। हाँ बोला, आपल्याला SIF ट्रस्टच्या वतीने मदत मिळाली, आपण याच्यात समाधानी आहे बरोबर? ये मकामी हजरत आहे हमारे यहाँ के, इनका क्या कहना है वो जानते, बोलो मदद के बारे में। नहीं, मदद तो अच्छी करे, काफी मदद करे क्योंकि सरकारी स्कीम नहीं गुजरी है, सब अच्छा होगा है। SIF ट्रस्ट वालों ने मदद की है। हाँ, अपने गांव में, गांव दानापुर में ये गरीब लोगों को दिए, पत्थर उड़ गए थे, बोली अच्छी तरह। आप क्या बोलना चाहेंगे SIF ट्रस्ट वालों को? बहुत एकदम अच्छा है और अल्लाह उनको ऐसी हासिल करे। भोकरदन तालुके के दानापुर इस गांव में ये जो महिला खड़ी है, इनके ये बारिश की वजह से और हवाओं की वजह से पत्थर उड़ गए थे, SIF ट्रस्ट की ओर से इन्हें मदद की गई, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं SIF ट्रस्ट का। जैसे वो यहाँ पे रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे गरीब तबके के हैं, ये मातंग समाज के लोग हैं और इनके पत्थर उड़ने की वजह से इनके बहुत हालात ख़राब थी
हम देख सकते हैं इन्होंने घर का काम किए और ये एसआईएफ ट्रस्ट की ओर से इन्हें मदद दी गई, इससे वो बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। ये इस तरह ये बस्ती में रहते हैं, इधर ये बस्ती पूरी दानापुर की, हम जानते हैं इन लोगों से। हाँ, ये एसआईएफ ट्रस्ट ना तुम्हाला मदद के लिए अपन काय म्हणू म्हणता यांना, काय तुमच्या कोण काय अपेक्षा आहे बोला। चांगलं केलं तुम्ही, गरिबाला पत्र देऊन राहिले तर चांगलं होईल, तुमचा आशीर्वाद आमचा आशीर्वाद तुम्हाला आशीर्वाद देईल आपण ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टवाल्यांना। एसआईएफ ट्रस्ट हे यांना आपल्याला राहण्यासाठी मदत केली व जे पत्र उडाले होते त्याच्यासाठी त्यांनी मदत केली, तर आपण यांना तुमच्याकडून आशीर्वाद देणार, है ना। हाँ। बर, एक और नातू ही तुमचा। हाँ। अच्छा, तुमचे घरचे वारलेले का? हाँ। इनके जो शोहर है इनका इंतकाल हुआ है और इन्हें कोई सहारा नहीं है, इनकी एक बच्ची इनके पास रहती है जिसका शोहर भी गुजरा हुआ है, इनकी बहुत हालात खराब है। ये साहब ट्रस्ट वालों को दुआएं दे रहे हैं, ये हमारे दानापुर के मकामी हजरत है अनिल दोतोंडे, वो बैनर सही तरीके से लगा लो अनिल। एसआईएफ ट्रस्ट की ओर से कोई जातिवाद नहीं किया जाता, कोई समाज का भी हो उन्हें मदद की जाती है।